आपके साथ। पूर्णिया के फुटपाथ विक्रेता संघ पहुंचे राज्य आयुक्त से मिलने। भारत सरकार द्वारा अधिनियम 2014 लागू होने के बाद भी नहीं मिल रहा लाभ। फुटपाथ दुकानदारों को बिना व्यवस्था जगह न खाली करवाने की है मांग। वेंडर जोन में व्यवस्था होने के बाद ही उजारे जाए दुकान। सभी संबंधित अधिकारी से मिले संघ के सदस्य। सौंपने किस लिए दो पदस्थापित हमारे माननीय नगर आए हुए हैं। सर्वप्रथम तो उनका हम लोग हार्दिक अभिनंदन किए हैं। उसके बाद में शहर के अंदर में अस्त व्यस्त फुटपाथ दुकानदारों की स्थिति है, उस समस्याओं से समाधान का आश्वासन जो हल निकालने के लिए उनसे अनुरोध किए हैं, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्दी आने की समस्या पर ध्यान दे करके इस समस्या से मुक्ति दें। आप लोगों की समस्याएँ क्या है? हम लोग की समस्या है कि हमारे ये संघ के ऊपर जो है, यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है 2014 एक्ट लागू है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ये डिसीजन दे चुका है कि इन लोगों को व्यवस्थित करने से पूर्व उजाड़ा ना जाए, उजाड़ने से पूर्व इन्हें व्यवस्थित किया जाए। इसके आलोक में बिहार सरकार द्वारा प्रधान सचिव के द्वारा जो है ना हम लोगों का जो है ना वेंडिंग जोन जो है बनाने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत शहर के अंदर में 11 वेंडिंग जोन चिन्हित स्थल किया जा चुका है, जिसके नगर निगम से अधिकारी से लेकर SDO ATM एवं जो है ये क्या शिवशंकर यानी कि जो है JE साहब है उनके द्वारा सर्वे स्तर का निरीक्षण भी किया जा चुका है और निरीक्षण करने के बाद में सर्वे हो चुका है और सर्वे की छाया प्रति जो है प्रधान सचिव को भेजा जा चुका है और वहाँ से आदेश आया हुआ है कि बहुत जल्द जो है वेंडिंग जोन का प्रारूप तैयार करके हमें उपलब्ध कराया जाए ताकि वेंडरों के लिए वेंडिंग जोन स्थापित करके उसमें व्यवस्थित कराया जाए।